प्यारे बच्चों, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए पर्याप्त समय दे दिया गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता और आपने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं किए, ठीक है। और ये बड़ा दुखदाई है, मैं बहुत ही ज़्यादा इस बात के ऊपर फोर्स कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स खूब ज़्यादा करो। आप में से कोई कोई बच्चा इक्का दुक्का पूछता है, बस उससे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। ऑफलाइन होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी कुछ भी, फिर तो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड था। यहाँ बैठ के आपको करने ही पड़ते हैं और आप करते भी। अब ऑनलाइन में मैं क्या कर सकता हूँ उससे ज़्यादा, जितना कर सकता हूँ तो वो तो मैं कर रहा हूँ, ठीक। अब पूरा कोर्स भी देखना है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले पढ़ लिया था, M2B, ठीक है। कोई सिस्टम है, दो तीन बॉडी से मिलकर बनी हुई है या सिंगल बॉडी है, कुछ भी है, उसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है वही रहता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। बस किसी भी सिस्टम पर अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई काम ना कर रहा हो तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वही रहेगा, ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखो फटाफट, लिखिए, सुने ना इसी तरीके से, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, द नेट लीनियर, नेट मतलब लिखना लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट या रिमेन सेम, कुछ भी। ओके, दैट इज इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। हैंडलिंग प्रूफ, लास्ट में प्रूफ, इसमें होगा प्रूफ। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट, ठीक है, और नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, इफ वेक्टर एफ इज जीरो तो डीपी बाई डीटी इज जीरो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो, यानी कि मोमेंटम के चेंज होने की दर जीरो, यही चेंज नहीं हो रहा, यह चेंज नहीं हो रहा, डीपी इंटू इसमें कर दो, वेक्टर डीपी डीटी इंटू जीरो हो जाएगी, तभी जीरो। चेंज इन, इट इज नॉट मोमेंटम, इट इज चेंज इन मोमेंटम, डीपी चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, यानी मोमेंटम की चेंजिंग जीरो, यानी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी जो है वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर वेक्टर बी इज कॉन्स्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो तो उसका मोमेंटम जीरो रहता है,
ठीक है। अब सुनिए, इससे भयंकर भयंकर को सुनाएंगे, ठीक है, परंतु वो कोई भयंकर नहीं रहेंगे। अगर आप सिस्टम से चल रहे हो, साइड निम्बस तरीके से कर रहे हो, तो कोई भयंकर नहीं है, सब आसान है। तोप का फायर हुआ धूम, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, अंदर की रिएक्शन थी वो, सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लगा कुछ भी, तो सिस्टम का मोमेंटम जो कि जीरो था, कहीं कुछ नहीं चल रहा था, जीरो ही रहेगा अभी भी, कि उसके अंदर से जो गोला निकलेगा, एक भाई गोले का वेट भी है और वेलोसिटी क्रिएट हुई है, तो मोमेंटम क्रिएट हुआ आगे की तरफ, तो उतना ही मोमेंटम तोप में पीछे की तरफ आएगा, इसके कारण झटका देगी पीछे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल नहीं लगा सिस्टम, सिस्टम मीन्स तोप प्लस उसका गोला, तो जितना गोले में आगे की तरफ मोमेंटम क्रिएट हुआ उतना तोप में पीछे की तरफ मोमेंटम, चूंकि तोप भारी है इसलिए स्पीड कम से कम चली गई एम इन टू वी, और गोला हल्का था तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी एम इन टू वी, कॉन्स्टेंट है। समझ रही बात? अगर एक आपका जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे थे कि एक बॉल यूं आए यूं चलेगी, फिर तो दीवार ने फोर्स लगाया था उसके ऊपर, इसलिए उसका मोमेंटम चेंज हुआ। ओके, तो मोमेंटम तब तब बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा जब जब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। एक राइफल ये ली और यहाँ कंधे पे लगा ली और ये पीछे हटे, कारण ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, पर बच्चों इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर आप विचार नहीं करोगे, बड़ा आसान सा लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, और मैं सही बताऊं तो आसान ही है, पर अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसके ऊपर नहीं करोगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, यही छोटी सी चीज, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन उसका प्रूफ करने के बाद एग्जाम्पल बताने के बाद, आप कुछ एग्जाम्पल में लिखना फिर नोटबुक में, बस आज का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ ये लिख कर अपने वो न्यूमेरिकल्स करो जिसमें मोमेंटम वर्ड आ रहा हो, ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो क्या करता हूँ मैं, आप पुलिस वाले क्वेश्चन लिफ्ट वाले क्वेश्चन कंटिन्यू रखो भी होंगे ढंग से, ठीक है, और आज शाम तक मैं इसके न्यूटन्स के तीन लॉ हैं इसकी वीडियो भेजूंगा, जिसमें मैंने पहले बता रखा है कि न्यूटन सेकंड लॉ रियल लॉ है, यानी कि सेकंड लॉ के द्वारा फर्स्ट लॉ को भी प्रूफ किया जा सकता है, थर्ड लॉ को भी प्रूफ किया जा सकता है, सेकंड लॉ कॉन्टेन ऑल लॉ, सो इट इज रियल लॉ। तो अगर आपके पास यह आ जाता है कि हाउ कैन यू से दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ एंड प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। अगर आपने सेकेंड लॉ से बाकी दोनों को भी प्रूफ कर दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। इसकी वीडियो भी बन जाएगी और शाम तक आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है, और इसके साथ न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रखें। अब लॉज ऑफ मोशन में एक फ्रिक्शन नाम की चीज़ को मैंने बचा के रखा हुआ है, फ्रिक्शन जहाँ एक बार स्टार्ट हो गया आपका पूरा फोकस फ्रिक्शन पर रहेगा। और बच्चों, अगर आपने पुली वाले क्वेश्चन टेबल पर रखे, ब्लॉक वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन बहुत भारी पड़ जाएंगे, और आपने टेबल पर रखे हुए ब्लॉक को खींचना पुलिस से लटकने वाले क्वेश्चन अच्छी तरह करे हुए हैं, तो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि मात्र एक फ्रिक्शन फोर्स और काम करेगा, कार्यवाही सारी वही रहेगी पुराने वाली। इसलिए बच्चों, अभी भी मौका है, मैं पुलिस वाले क्वेश्चन मोशन ऑन अ टेबल, स्मूथ टेबल टिल नाउ, स्मूथ टेबल, इन क्वेश्चन को अभी भी कर लो, क्योंकि अभी फ्रिक्शन शुरू नहीं हुआ है,
ओके, तो इसका अपडेट कर लो, एक पेज के नोट्स हैं बस, इसको अपडेट करो और अगली वीडियो का वेट करो। ओके।